दोस्तों आप आजकल न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है बॉर्डर्स पे, और इसी के साथ चाइनीज़ एप्लीकेशन के बारे में भी काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा होगा आपको। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी चाइनीज़ एप्लीकेशन पर, जो आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खतरनाक वायरस की, एंड क्या वो कोरोना वायरस है? नहीं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जो चाइनीज एप्लीकेशन के थ्रू आपके फोन्स में फैल रहा है, एंड उस वायरस को हटाने की ट्रिक जिससे आपका कोई भी डेटा लीक ना हो पाए। सो गाइज, मेरा नाम है सागर बुद्रजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज एफर्टलेस। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस कर दे घंटे यानी कि बेल आइकन को। चलो फिर करिए शुरुआत। आप सुन रहे होंगे कि बड़ी बड़ी चाइनीज एप्लीकेशंस और बड़े बड़े चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स कैन हैव एक्सेस टू आवर पर्सनल डेटा। ऐसे ही एलिगेशन शाओमी, हुआवे, ऑनर जैसी कंपनीज पे लगी हैं। लाइक इनकॉग्निटो मोड आपको पता ही है कि हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ताकि हमारी सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री रिकॉर्ड ना हो। बट इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के बाद भी हमारा डेटा लीक हो रहा है MI ब्राउज़र, UC ब्राउज़र जैसी एप्लीकेशन से, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स दावा करती है। जैसे कि आपको पता है कि 52 ऐप्स इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अनइंस्टॉल करने के लिए बोली है जो आपके फ़ोन्स में होती हैं, जिससे आपका डेटा लीक हो सकता है। जूम ऐप हालांकि चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है, पर इसके सारे सर्वर्स चाइना में हैं। तभी मैंने अपनी वीडियो में इस ऐप का ऑल्टरनेटिव बताया था, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ऐसी बहुत सी ऐप्स मिल जाएंगी जिस पे ये सब एलिगेशंस लगी हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी सेटिंग्स की जो आपको ज़रूर करके रखनी है अपने फ़ोन में, एंड एक एप्लीकेशन जो आपको चाइनीज़ एप्लीकेशन रिमूव करने में हेल्प करेगी। चलो अब मैं ले चलता हूँ आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपकी फ़ोन की सारी एप्लीकेशंस को स्कैन करके ये बताएगा कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी चाइनीज़ एप्लीकेशन है, और उसके बाद आप उन्हें इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो अपने फ़ोन की सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस मैं ऑलरेडी अनइंस्टॉल कर चुका हूँ, बट ये ऐप्स मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए डाउनलोड करी है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर की सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट का, उस पर टैप करके वहाँ आपको एक रीलोड का साइन दिखेगा, उस पर टैप करने के बाद स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। इससे गूगल आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगा एंड यू विल गेट टू नो कि क्या आपके फ़ोन्स में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आपका डेटा लीक हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने फ़ोन में एक और सेटिंग करनी है, जिसके लिए आपको अपने फ़ोन्स की सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद ऐप्स वाले ऑप्शन पर टैप करके वहाँ आप ऐसी एप्लीकेशन ढूँढें जो आपको लगता है कि चाइनीज़ है और विच कैन लीक योर डेटा, और जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। उस ऐप की परमिशन में जाके सारी परमिशंस डिसेबल कर देनी है, कोई भी परमिशन इनेबल नहीं रहनी चाहिए। ये परमिशन को डिसेबल करने का ये फ़ायदा है कि ये ऐप्स आपके डेटा को सर्वर्स तक नहीं भेज पाएगी। सो गाइज, ये सेटिंग्स ज़रूर कर लेना अपने अपने फ़ोन्स में, ताकि कोई गुंजाइश न रहे आपके पर्सनल डेटा लीक होने की। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, और शेयर करें ये वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि किसी का भी पर्सनल डेटा लीक ना हो पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेटिंग नॉलेज एफर्टलेसली।